ब्लॉग एडिट कर लिया मैंने जैसे तैसे, बहुत तेज तेज हवा चल रही है द्वार पे, इसलिए गौशाला में बैठ के ब्लॉग एडिट करी हूँ। चलिए अब चलते हैं घर। कितना तेज धूप किया है, सारे पेड़ पौधे जो है ना मुरझाए जा रहे हैं। इधर गुलाब का बहुत सारा फूल खिला है लेकिन सब मुरझा रहा है धूप की वजह से, बहुत तेज धूप है। आज थोड़ा जल्दी ब्लॉग एडिट कर लिया मैंने, नहीं तो एक घंटे डेढ़ घंटे लग जाते हैं। बस दो चार दिन और फिर चले जाना है, फिर आप लोगों को माकी का ब्लॉग देखने को ही नहीं मिलेगा। आ गई मैं घर, देखती हूँ बेबी कहीं बन रही है ना, इसे रूम में क्या पापा वाले रूम में, मुझे लगा पापा वाले रूम में क्या बीरू फॉर्मूला में पिया दे रहा हूँ एक है द्वार पे चल गई, हम तो उसने तो द्वार पे गड़बड़ हुआ अभी के लेके। हम लोग को नानी आपको नथनी को ये देखिए, हम लोग को नानी नथनी को हम नानी नथनी हम लोग खेल रहे हैं, मेरी नथनी रो रही है। नानी ने अभी तक कंघी भी नहीं किया। नानी ने अपना मामा को देख के रोना आ रहा है, मामा के गोदी आएंगे हम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा आ जाओ, कैसे बात करे चांदनी से। आ गई ना मामा के पास, मामा के पास आ गई तो अब नानी को देख रही है, और नानी के पास थी तो मामा के लिए रो रही थी। बताओ बताओ नानी कंघी कर रही है, नानी कंघी कर रही है। अब नाना जी के रूम में खेल रहे थे डब्बे से, नाना जी के रूम में खेल रहे थे हम नानी के साथ डब्बे से, नाना जी के रूम में अब के हंसी आ गई, हंसी हंसी आ गई, हंसी तनी हंस के दिखा दो, तनी हंस के दिखा दो, तनी हंस के दिखा दो, जब के मेरा हंसी आ गई हंसी। हाँ अब कैसे देख रही, अब के हंसी आ गई। हाँ ये देखिए हमारे सोना को कितना प्यार से मेरे गोदी में सोई हुई है। जब तक मेरी बेबी पेट में थी ना, जब तक बेबी जन्म नहीं ली थी मेरी, तब तक सोना ही मेरे गोदी में सोया करते थे, और जब से बेबी जन्म ले ली तब से मैं सोना को गोदी लेना बहुत ही कम कर दी हूँ। मतलब इस तरह से गोदी लेकर सुलाना तो एकदम से ख़त्म ही कर दी थी, और जब भी मैं छुटकू को गोदी में लेकर इस तरह से सुलाती हूँ ना, सोना बहुत ही प्यार से देखती है मुझे कि बुआ अब मुझे गोदी लेके ऐसे नहीं सुलाती है। आज अभी छुटकू गई है अपनी नानी के साथ उधर बाहर, तो सोना को नींद आ रही थी तो मैंने गोदी में ले लिया है, और देखिए कैसे प्यार से सो गई है। बहुत दिनों बाद बुआ के गोदी में सोने को मिला है सोना को। अभी मैं फ्रिज में कुछ ढूंढ रही हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को क्या ढूंढ रही हूँ। ये देखिए दिख गया यहाँ पे, ये है दही, सुधा डेयरी का दही है ये, और जो हमारा डेयरी दुकान खुला हुआ है वहीं से आया हुआ है, तो घर पर रखा हुआ है, मतलब घर पर ज़रूरत होगा तो इसलिए। तो अभी मैंने एक जो छोटा सा डब्बा है ये निकाला है दही वाला, और अभी मैं बनाने वाली हूँ शरबत। आप सब में से किस किस को दही का शरबत अच्छा लगता है? मेरे घर में मेरे बाबा को सबसे ज़्यादा पसंद है दही वाली शरबत। तो अभी मैंने आधा गिलास पानी लिया और उसमें दही डाल रही हूँ, इसमें थोड़ा सा चीनी डाल रही हूँ, और इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करूँगी और बन के रेडी हो जाएगा हमारा दही वाला शरबत। बहुत ही ठंडा ठंडा अच्छा लगता है। और मैं ये क्यों पी रही हूँ, क्योंकि ना कल रात से मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं लग रही थी, मतलब थोड़ा पेट ख़राब चल रहा है, इसलिए मैं सोची कि क्यों ना दही वाला शरबत पी लूँ, पेट को थोड़ा ठंडक मिलेगी। जा रही हूँ छत पे, कुछ कुछ चीज़ें लेके आना है सूखने के लिए डला हुआ है, और इधर ये वाला कंबल डला हुआ है सूखने के लिए, जो कि आज सुबह में जब सूटकेस धुला रहा था तब मम्मी ने और चांदी ने इसको भी धो दिया था। ये वाला कंबल जो है ना, पूरे ठंडी में इस बार मैं ही ओढ़ रही हूँ, और इसको हम लोग हॉस्पिटल भी लेके गए थे जब बेबी होने वाली थी, तो अब ये इस साल तो काम आएगा नहीं, अब ये धुला गया और गर्मी आ चुकी है तो अब ये रखा जाएगा बक्से में। ये वाला दुपट्टा देखिए, पिछले साल भैया की शादी के पहले ही मैंने ये वाला दुपट्टा ख़रीदा था अपने गांव के मार्केट से, चौक पर से, और मैं एक साल से इस दुपट्टे को ढूंढ रही हूँ, बट ये मिल ही नहीं रहा है, मिल ही नहीं रहा है, और आज अचानक से ये मिल गया, वो भी कहाँ, तो दिखाती हूँ आप लोगों को कहाँ मिला है ये। इस वाले सूटकेस में यहाँ पे देखिए दुपट्टा का कलर लग गया, ये रेड, और ये चांदनी का दुपट्टा, सॉरी चांदनी का सूटकेस है ये,
और चांदनी अपने सूटकेस में मेरे दुपट्टे को भर कर रख दी थी और पिछले 1.5 साल से मैं ढूंढ रही हूँ, बट ये आज मिला है जब ये धुलाया है तब। उसके साथ सूटकेस के साथ वो दुपट्टा भी धुला गया है और कलर उसमें लग गया। अभी मम्मी गई हैं इसको पलट के सूखने के लिए अच्छे से, सुबह में धोई थी इसको। और ये वाला, ये मेरा वाला जिसको मैं बनवा के लाई थी मार्केट से, ख़राब हो गया था, चूहे ने चैन काट दिया था। कहाँ है, सिलाई हुई है इसकी इधर, ये देखिए मोची से सिलवा के लाई हूँ, टेम्पररी है, अच्छे से नहीं सिलाया है, डैमेज हो गया। अब इसको बैग के दुकान पे दे के बनवाना पड़ेगा। ये भी आज धुलाया है तो इसको भी सूखने के लिए मम्मी डाल के गई है, पलट के गई है ताकि अच्छे से सूख जाए। और एक ये छोटा वाला, ये मेरी शादी में मुझे मिला था ससुराल की तरफ से, इसको भी मम्मी और चांदनी मिल के धोई हैं। तीनों सूटकेस को धोया गया है और तीनों सूखने के लिए डला हुआ है। इतना तेज़ धूप किया हुआ है ना कि एक ही दिन में आराम से सूख जाएगा। मुझे लगा था 2-3 दिन लग जाएगा, लेकिन अभी ये आधा सूख चुका है। अभी दोपहर हो रही है, शाम तक एकदम अच्छे से सूख जाएगा। और फाइनली ये दुपट्टा मुझे मिल गया, और फाइनली ये वाला दुपट्टा मुझे मिल गया। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि बता नहीं सकती हूँ। मुझे लगा खो गया कहीं, बट खोई हुई चीज़ अगर आपको वापस मिल जाए ना तो खुशी तो बहुत ज़्यादा होती है। सूख गया है, अभी इसको ले जाऊँगी नीचे। ये देखिए कबूतर गेहूँ चुग रहा है, मम्मी गेहूँ डाली है धो के सूखने के लिए, भाग गया। और इधर बेबी का झूला जो कि बहुत अच्छे से सूख गया है, तो इसको ले जा रही हूँ नीचे, नहीं तो इसका कलर चला जाएगा धूप के वजह से। ये बेबी का नेक पिलो, पता नहीं सूखा है कि नहीं, सूख गया बहुत अच्छे से। थोड़ा सा इसका कान भी सूख गया, तो ले चलती हूँ इन सबको नीचे। आ गई नी झूला लेके, ऊपर वाला भी लावे के बाद। सोना, ये मम्मी पूरा साड़ियों का पिटारा निकाल के रखी है, ठीक है करो। पूरा बक्सा खोल के रखी है, बोल रही है जो भी तुम्हारा जरूरत का है ले लो, बट मेरे जरूरत का कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं लेने वाले हैं, ऑलरेडी मेरा बहुत सारा सामान हो जाएगा। इतना बड़ा बक्सा खोल के पता नहीं क्या क्या निकाल रही हैं बक्से में से। तो ना हम ना ले, हम हमारे पास बहुत बार ना, हमारा कुछ ना चाहिए, सब बा हमारे पास। कौन ही नो मम्मी, हम सब लेके क्या करम, वो हम लेके क्या करम मम्मी, ना ले हम कुछ ना लेबो मम्मी, चल रख बिना मतलब के। ये हमारी सोना जग गई सोना। अब सोना जा रही अपने दादाजी के रूम में, दादाजी के पास। कैसे दिख रही है ये सोना। रात हो चुकी है, अभी शाम के लगभग 7:30 बज रहे हैं और मम्मी अभी गेहूं बटोर रही हैं। इतना रात का हो गई मम्मी, आज मम्मी मेरे साथ टाइम स्पेंड करी है बहुत सारा, हम लोग बहुत सारा काम निपटा है ना मम्मी। आने वाले ब्लॉग्स में आप लोग को देखने को मिलेगा कि हम लोग कौन कौन सा काम निपटा रहे हैं अभी के टाइम पे। बटोर लो जल्दी जल्दी, मम्मी अगर ऐसे ही छोड़ देंगी ना, गेहूँ नहीं उठाएंगी नहीं बटोरेंगी, तो बिल्ली आके और गेहूँ पर पट्टी कर देती है ना मम्मी, तो फिर और ज़्यादा मेहनत हो जाता है, इसीलिए मम्मी रात भी हो जाता है तो बटोर लेती हैं। तो गाइज अभी मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में और अभी मैं अपने बेड को सही कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बेड जो है ना एकदम गंदा हुआ रहता है हमेशा, कितना भी साफ करो हमेशा गंदा रहता है, क्योंकि मैक्सिमम घर के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं ना सब लोग ज़्यादातर यहीं पे रहते हैं, जैसे कि मैं, हमारे छोटकू, हमारी मम्मी, चांदनी, सोना, भाभी, मेरा भाई चंदन, मेरा भाई अंकित, सब लोग ज़्यादातर इसी रूम में रहते हैं और सब इसी बेड पर लदे रहते हैं, इस वजह से ये बेड सबसे ज़्यादा गंदा होता है।
तो डेली मैं सुबह में और शाम में बेड को सही करती हूँ। छत पर से हम लोग नीचे आए थे तो मैंने चांदनी से बोला था कि तुम बेड को सही कर दोगी क्या, तो सोच में पड़ गई। सारा काम कर देगी चांदनी, लेकिन बेड सही करने में पता नहीं क्यों एकदम आलस आ जाता है उसको। एकदम आलसी लड़की है, कभी भी बेड सही नहीं करती है जब तक मैं उसको डांटती नहीं हूँ। तो एकदम स्वीकारी ही नहीं कि मैं सही करूँगी। तो फिर मैंने कहा ठीक है तुम बेबी को संभालो, मैं बेड को सही कर देती हूँ। तो उसने कहा ठीक है मैं बेबी को संभाल रही हूँ, आप बेड को सही कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे बेड को सही कर लिया है। छोटा बच्चा है तो बेड भी साफ़ सुथरा होना चाहिए ना, सब लोग दिन भर इसी पे रहते हैं तो गंदा हो जाता है एकदम। तो अभी मैंने साफ़ कर दिया है। और इधर देखिए हमारे छुटकू बेबी को अपनी मामी से और अपनी मौसी से दोनों लोग से कैसे बात कर रही है। और जब भी आप छुटकू से बात करोगे ना, छुटकू बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो चांदनी और भाभी दोनों लोग छुटकू से बात कर रहे हैं, छुटकू एकदम खुश है और खूब हंस हंस के इन लोग को रिप्लाई दे रही है। ये लोग पूछ रही हैं कि अब तुम हम लोग को छोड़ के चली जाओगी ना, तो हंस रही है। तो बोल रही हैं लोग कि खूब खुश है, अपने घर जा रही है। तो और इधर चांदनी ने बेबी का जो झूला है ना उसको साफ़ कर दिया है। दिन में ही चांदनी इसको धोई थी, कल के ब्लॉग में आप लोग देखे थे शायद, हाँ। और आज ये सूख गया तो मैंने वापस ला के यहाँ पर रख दिया है। तो चांदनी बोल रही है कि दीदी मैं झूला धोई हूँ, सबको दिखा दो कि मैंने कितना साफ़ सुथरा कर दिया है झूला को। तो मैंने कहा ठीक है चलो दिखा देती हूँ। तो ये आप लोग को दिखा रही हूँ कि चांदनी झूला धो दी, साफ़ सुथरा हो गया। और अभी मैं बेबी को लेके गोदी में सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। पता है बेबी जल्दी सोती ही नहीं है, पूरे टाइम जगी रहती है। मतलब कितना भी कोशिश करो कि सो जाओ, लेकिन लड़की जल्दी सोती ही नहीं है। जब तक एकदम रात नहीं हो जाएगी, जब तक इसके सोने का टाइम नहीं हो जाएगा, ये नहीं सो सकती है। चाहे आप कुछ भी करो, कितना भी लोरी गा लो, कुछ भी कर लो, नहीं सोएगी। अभी मैं बहुत लोरी गाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इसको लग रहा है कि मामा मुझसे बात कर रही है तो हंस रही है मुझे देख देख के। सोने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रही है, तो बस ऐसे ही चल रहा है। अभी जो क्लिप आप लोग देख रहे हो ये लगभग 6-7 दिन पहले का है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो आप लोग के साथ शेयर किया था। अंकित अभी स्कूल जाने के लिए रेडी हो गया था ड्रेस पहन के, लेकिन हमारे छुटकू उसको स्कूल जाने ही नहीं दे रही थी, अपने मामा को स्कूल नहीं जाने दे रही है लड़की। तो मैंने सोचा ये क्लिप डिलीट कर दूँ क्या, फिर मैंने सोचा कि नहीं रहने देती हूँ, ऐड कर देती हूँ अपने एक ब्लॉग में। क्योंकि फिर ये सब चीज़ें जब मैं अपने ससुराल चली जाऊँगी ना तो देखूँगी और फिर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आज का ये जो ब्लॉग है अब मैं पे एंड करूँगी, मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।